वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू ऑल बोर्ड। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज। क्लियरली आवाज आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है सारे लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 30th ऑफ मार्च करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। ये इतने सारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर नॉट इन द मूड एट प्रेजेंट टू एंजॉय दीज फेस्टिवल्स, बट सून योर डे ऑफ फेस्टिवल विल ऑल्सो कम। बहुत जल्दी आएगा जितना एफर्ट्स आप लोग डाल रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट वन बिग ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर योर फैमिली। दैट विल बी योर सिलेक्शन डे। कुछ लोगों का भी ऑलरेडी आया द डे SBI क्लर्क SBI एसोसिएट रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, एंड फॉर फ्यू पीपल जस्ट वी हैव टू वेट फॉर अनादर 2-3 डेज। 1st of April को कुछ लोगों का रिजल्ट आने वाला है। कल वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा लास्ट ईयर IBPS का, 31st of March, एंड 1st of April विल बी द रिजल्ट डे फॉर IBPS। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। ठीक, स्टार्ट करेंगे सेशन को। डिस्कशन रहेगा हमारा 30th of March 2023 करंट अफेयर्स के ऊपर। चलिए पहले देख लेते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन। पहले देख लेते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट इन बोथ द केस। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर लूंगा, यू विल डू इट, और अगर आपको लगता है दैट आई एम नॉट दैट कैपेबल, सो एक्चुअली इवन इफ यू आर कैपेबल यू कांट डू एनी टास्क। इफ यू फील दैट, इफ यू फील दैट आई कांट डू दैट और आई एम नॉट दैट मच कैपेबल, तो ऐसा मत सोचा करो। अपने आप को कम मत आका करो कभी किसी से। यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये चीज याद रखें और वहां से अपने गोल्स को डिसाइड करें। ठीक गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आई फाइंड दैट देर आर 25-30 स्टूडेंट्स आर वेटिंग, बट द नंबर ऑफ लाइक ऑन द सेशन लेस देन 10। प्लीज आप लोग जब सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, दोज हु आर रेगुलर, दोज हु नो दैट दिस इज योर शो, प्लीज मेक अ हिट ऑन द लाइक बटन। एक रिक्वेस्ट है, कर दिया करें। एंड दोज हु हैव ज्वाइन द TNA रिसेंटली, गाइज यू कैन डाउनलोड द ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन टू अटेंड द फ्री आर्ली बैंकिंग टेस्ट। आगे मूव कर रहा हूं मैं, PDF की बात कर देता हूँ। तो PDF विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड GA Genius। सो इट विल बी अवेलेबल ऑन GA Genius टेलीग्राम ग्रुप। सिंपली इन द टेलीग्राम यू हैव टू सर्च GA Genius बाय आदित्य सर, यू विल बी एबल टू फाइंड अ टेलीग्राम ग्रुप विद 15,000+ स्टूडेंट। होमवर्क के क्वेश्चन क्या थे हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 था, वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है आपका? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड न्यूली न्यूली मेड मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, विच इज रीनेम्ड टू नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम पहले बदल के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम किया गया। अगेन इट वॉज रीनेम्ड टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाउ। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम से बदलकर उसको कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। द स्टेडियम वॉज फर्स्ट ओपन इन 1980, बट रिसेंटली इट इज रीबिल्ड विद द कैपेसिटी ऑफ 1.10 लाख पीपल। तो 110,000 की इसकी कैपेसिटी है, 110,000 की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, चलो आगे मूव करें। ओके ओके, नेक्स्ट है। सो होमवर्क के आंसर हमारे, अच्छा एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन पढ़ा गया मैंने। हाँ, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? तो करेक्ट आंसर था आपके पास जीन स्टोलनबर्ग, फॉर्मर नॉर्वेनियन प्राइम मिनिस्टर है। थर्ड क्वेश्चन था, विच स्टेट इनॉग्रेटेड राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन था, 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार नेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द नेम ऑफ होम? तो करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र अवॉर्डीज। अगर आप लोग सीक्वेंस समझ रहे हो होमवर्क के क्वेश्चंस का फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इज आई एम पिकिंग द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द रीसेंट एग्जामिनेशंस एंड दे हैव प्रोबेबिलिटी टू गेट रिपीटेटिव। या तो स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन है या ऐसा कोई करंट का क्वेश्चन है व्हिच इज हैव अ प्रोबेबिलिटी टू रिपीट अगेन इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हर एक GA के क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ इन होमवर्क में। So you can do the practice of each and every important questions of recently held exams. I hope my point is clear. ठीक है, so answers आए थे आपके गिरिवासन साई साई, बहुत बढ़िया answers लिखे आपने। इसमें एक और इन्होंने point लिखा था that the largest unnamed island
वॉज नेम्ड ऑन फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी मेजर थोमनाथ, तो इनके नाम पर किया गया सबसे बड़ा। दिनेश गुप्ता जी के आंसर आए, मनीषा दीक्षित जी, हरप्रीत सिंह, निकिता, उजाला, प्रियंका, प्रियंका अगेन, प्रियंका शर्मा, प्रियंका लवली, तनुजा, वेरी गुड गाइस, परफेक्ट आंसर्स। योगिता, विवेक, गीता, अक्षरा, शिवांगी, ब्लू ड्रीम्स, प्रिया शर्मा जी, हर्षा, प्रतीक, सो थैंक यू फॉर आंसर्स गाइस। कल के लिए होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए। आरबीआई हैज आस्क्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ओम्बुड्समैन बाय विच डेट। आरबीआई ने कब तक कहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि आप अपॉइंट करें एक इंटरनल ओम्बुड्समैन? What is the deadline of Aadhaar link with PAN? सबको पता होगा, but still I want to be make it sure. Third है national green hydrogen target for 5 million metric ton was till which year? कौन से साल तक के लिए target रखा हुआ है national green hydrogen का 5 million metric ton? COP28 to be held in which country? तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए। रामनवमी उत्सव इज गोइंग ऑन ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को विश किया रामनवमी फेस्टिव। बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल देयर इज अ 40% फ्लैट ऑफ ऑन द बैंकिंग सब्सक्रिप्शन, सुपर एलीट मेंटरशिप प्रोग्राम, जैब एंड सैप कोर्सेज, हर जगह पर ऑफर चल रहे हैं। सो यू गाइस कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू प्रिपेयर अंडर द पर्सनल गाइडेंस ऑफ आदित्य सर। So this is the last day for the discount offer. 30th of March को over हो रहे हैं। You can help your friends also. If they want to join the mentorship program, you can suggest them. They can join it by using the code Aditya. Code Aditya use करके join कर सकते हैं to opt Aditya sir as their perfect mentor. ठीक है, EPFO SSA का भी हमने course launch कर दिया, तो उसके details भी आप यहाँ check कर सकते हो और on the GA Genius Telegram group. MCQ revision मैं आज नहीं करवा रहा हूँ। The reason being I have to complete the news quickly. I have to move to the न्यूज के बाद मुझे मूव करना है कहां पर, आपके मॉक्स पर, एसबीआई वालों के मॉक चल रहे हैं तो उस पर मूव करना है। ठीक है, तो न्यूज स्टार्ट करो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से। न्यूज नंबर वन, एनपीसीआई रिकमेंड अप टू 1.1 इंटरचेंज फीस ऑन द यूपीआई ट्रांजेक्शंस। मैंने कल बहुत प्यार से आप लोगों को एक बार में समझाया था, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो क्या मैं लाइव आया था। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो उसको हम क्लियर कर लें। Do we have separate Telegram group for LED student? No, there is no such separate Telegram group for LED student. That is the GA Genius Telegram group will be working for you. ठीक है, अलग से elite वालों के लिए नहीं बनाया हुआ है। हाँ, वीडियो देख लिया था आप लोगों ने, अच्छा वो सेशन देखा था आपने, बहुत बढ़िया। तो सेशन देख लिया तो आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि UPI is not going to be chargeable from 1st April onwards. It is a misconception that UPI will be chargeable from 1st April for all of us. बिल्कुल भी नहीं है। कुछ payments जो है that will be chargeable. Wallet recharge और wallet load करना charge किया गया है, that if you are using Paytm, PhonePe, Amazon Pay and in the Paytm wallet you want to add money from the bank account. आप अपने Paytm wallet में पैसा डालना चाहते हैं bank account से, then we have to pay charges. तो मैं directly उस पर आ जाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपके पास charges लगने वाले हैं, कहां कहां पर चार्जेस लगने वाले हैं। सो 15 बेसिस पॉइंट दैट इज 0.15% चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू लोड योर वॉलेट। तो आप जब वॉलेट रिचार्ज करोगे तो वहां पर आपको चार्ज देना पड़ेगा 0.15% का। सो दिस चार्ज विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, सेकंड, व्हेन यू विल ट्रांसफर मनी फ्रॉम द पेमेंट वॉलेट टू अनादर पेमेंट वॉलेट, वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पेमेंट वॉलेट टू अनादर पेमेंट वॉलेट, इन दैट केस इंटरचेंज फीस विल बी एप्लीकेबल। तो उस केस में आपको इंटरचेंज फीस देना पड़ेगा, दैट विल बी फ्रॉम 0.5% टू 1.1%। तो बस यही न्यूज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज UPI इज नॉट चार्जेबल, सो इट इज नॉट गोइंग टू चार्ज ऑन द बैंक ट्रांजेक्शन विच यू डू। दिलीप अजबे सर ने कहा था no changes in any charges regarding the UPI payment from the bank account. So bank account se aapka number link hai and you are transferring the money, it is completely free. Detail yahan par hai, already I have done a session yesterday evening, wo bhi dekh sakte hai. Move kar raha hu next news ke taraf. Theek hai, next news ke taraf extend kar raha hu, chalo aage move kare. So, Axis Bank launches micro pay on PIN
एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो पे इन्होंने लॉन्च किया है ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। समझा देता हूं, इट इज नॉट एग्जैक्टली और कंप्लीटली न्यू। विद अ न्यू नेम वन टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च्ड व्हिच वाज एक्चुअली लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक ओनली अ ईयर बिफोर। इफ यू रिमेंबर, हमने पहले डिस्कस किया था पीओएस सिस्टम। रिमेंबर व्हाट वाज पीओएस? पॉइंट ऑफ सेल, राइट? पॉइंट ऑफ सेल मींस दैट स्वाइपिंग मशीन ऑन द शॉप, पेट्रोल पंप, मॉल्स एक्सेट्रा, एंड वी डू स्वाइप आर कार्ड देयर। उसको हम बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, राइट? इसके बाद इसका अपग्रेडेड वर्जन आया था सॉफ्ट पीओएस। सॉफ्ट पीओएस याद है आपको? मैंने आपको बताया भी था सॉफ्ट पीओएस सिस्टम इन इंडिया इनिशिएटेड बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पीओएस। इन द सॉफ्ट पीओएस आर नॉर्मल मोबाइल फोन कैन वर्क एज अ पीओएस मशीन, बट नॉर्मल मोबाइल फोन कैन एक्सेप्ट द पेमेंट बाय यूजिंग नियर टू टैप फैसिलिटी और ऑन टैप फैसिलिटी। तो ऑन टैप फैसिलिटी जिन भी कार्ड्स पर चल रही है उसका यूज करके इसको आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ लिटिल बिट अपग्रेडेशन दे हैव डन इन माइक्रो पे फैसिलिटी। इवन विद द ऑन टैप बाय पुटिंग द कार्ड नंबर एंड ऑल, पेमेंट कैन बी डन ऑन द मोबाइल फोन, ऑन द मोबाइल फोन बाय मेकिंग मोबाइल फोन एज अ पीओएस मशीन। तो इसमें माइक्रो पे में एक्चुअली आपका जो स्मार्टफोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीओएस। वो आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पीओएस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये पॉइंट क्लियर है? ये वाला क्लियर है? देन आई विल कम बैक टू द सेथुराम। यस, सेथुराम इज आस्किंग सम क्वेश्चन, सो आई विल कम बैक विद द कंफ्यूजन, दैट व्हाट इज द कंफ्यूजन एंड आई विल क्लियर इट। तो पहले ये वाला न्यूज कंप्लीट कर लो। एट अ टाइम टू प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए, एक एक करके कर लो। माइक्रो पे वाला न्यूज क्लियर है? सो एक्सिस बैंक लॉन्चेस माइक्रो पे ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फैसिलिटी। मैंने पूरा न्यूज पढ़ा भी नहीं है, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि मेनली क्या इसका कॉन्सेप्ट है। पिन ऑन मोबाइल सॉल्यूशन क्या है? सो इट इज अ सॉफ्ट पीओएस फैसिलिटी। चलो ओके, अभी डाउट पर आ जाते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं वो देख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं सर? ऑल द चार्जेस कलेक्टेड बाय एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेफिनेटली डेफिनेटली एनपीसीआई विल बी कलेक्टिंग दीज फंड्स। ऑल द एनपीसीआई इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। सो वॉट एवर द प्रॉफिट जनरेटेड बाय एनपीसीआई दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द एंकर अथॉरिटीज, मतलब जो उनके प्रमोटर्स। देर आर 10 प्रमोटर्स इंक्लूडिंग इंडियन बैंक एसोसिएशन, दोज हु हैव स्टार्टेड द एनपीसीआई। तो वो तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा, बट कलेक्ट एनपीसीआई करेगा। सर आई वुडंट अंडरस्टैंड द इंटरचेंज चार्जेस इंट्रोड्यूस ओनली एप्लीकेबल ऑन द पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन। पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपके जो गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, दीज आर कॉल्ड पीपीआई। इनको कहा जाता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट। यहां पर इसका मीनिंग ये हो रहा है दोज द मर्चेंट और द मर्चेंट्स और द बिजनेसमैन्स आर कलेक्टिंग देयर फंड्स और पेमेंट्स इन द पीपीआई वॉलेट। जो पीपीआई वॉलेट में पैसे अपने ले रहे हैं, पेमेंट्स ले रहे हैं, ऑन देम दीज चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। सो कंपनी कैन फॉरवर्ड दीज चार्जेस ऑन द मर्चेंट। सो मर्चेंट पर भी ये लगाया जा सकता है चार्ज, बट ओनली ऑन द मर्चेंट्स दोज हु आर यूजिंग द पीपीआई वॉलेट्स फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स। तो अभी बहुत से लोग देखो, कुल मिलाकर ये है बैंक अकाउंट का यूज इंक्रीज हो और ये जो वॉलेट के यूज है वो डिक्रीज भी होने चाहिए विद द टाइम। ठीक है, आपको पता भी होगा आरबीआई इज ट्राइंग, सॉरी हाँ, आरबीआई इज ट्राइंग टू डिक्रीज द यूज ऑफ और द परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स इन द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई। व्हाट इज दैट परसेंटेज एंड व्हाट इज द डेडलाइन? वो परसेंटेज और डेडलाइन बताओ, आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर लोगे। अभी मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, उस पर आ जाता हूं मैं।
नो, पीपीआई डज नॉट मीन्स वॉलेट, पीपीआई डज नॉट मीन्स वॉलेट, पीपीआई का सिर्फ मतलब वॉलेट नहीं होता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। पीपीआई ऑल्सो इंक्लूड ईच एंड एवरी मेथड वेयर वी कैन मेक द पेमेंट ऑफ, वेयर वी कैन मेक द पेमेंट। एग्जाम्पल ले लो यार, पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, ये सारे के सारे एप्लीकेशन फैसिलिटीज हैं जो आपके गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब आपके क्या है, पीपीआई ऐप फैसिलिटीज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैम, व्हेन यू आर यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दे ऑल्सो कम्स अंडर पीपीआई कैटेगरी, वो भी पीपीआई की कैटेगरी में आते हैं, वो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपीआई, तो पीपीआई की कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है आपका, ठीक है। वो कंफ्यूजन होता है कि सर वो तो पेमेंट बाद में करते हैं डॉलर, वो भी पीपीआई की कैटेगरी में आता है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, व्हाट आई विल डू इज पीपीआई इन द कैटेगरीज ऑफ पीपीआई, वो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, मैं एक बार उसका छोटा सा एक सेशन कर देता हूँ, पीपीआई इन द टाइप्स ऑफ पीपीआई करके एक वीडियो करके आपको दे देता हूँ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, ओके। चल, सो एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक फाउंडेड इन द ईयर 1993, अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ, हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। एक्सिस बैंक के और पॉइंट्स देख लेते हैं, अभी रीसेंट पॉइंट्स हैं। एक्सिस बैंक एंड आईटीसी, विच इज द एफएमसीजी कंपनी, रिसेंटली द स्टॉक्स ऑफ आईटीसी वेंट वेरी वेरी अप, बहुत ऊपर चले गए थे आईटीसी के स्टॉक्स बिकॉज ऑफ अ न्यूज दैट मोर टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन द ऑन द टोबैको प्रोडक्ट। उस दिन आईटीसी के प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर चले गए थे। एक्सिस बैंक आईटीसी हैव जॉइंट हैंड टू ऑफर द लेंडिंग प्रोडक्ट सर्विसेज टू द फार्मर्स, सर्विसेज टू द फार्मर्स दोज हु आर द पार्ट ऑफ आईटीसी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एम टू एनेबल द रीच ऑफ बैंक टू अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड फार्मर्स अक्रॉस द रीजनल, अक्रॉस द रूरल रीजन। देन एक्सिस बैंक एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ सिटी बैंक एट 12,325 करोड़, ऑलरेडी एक्वायर कर लिया। नाउ द सिटी बैंक ब्रांचेज ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू एक्सिस बैंक, जो सिटी बैंक के जो ब्रांचेज हैं उनको एक्सिस बैंक में भी कन्वर्ट कर दिया गया। कोलकाता में अराउंड 125 ईयर ओल्ड ब्रांच था सिटी बैंक का, दैट वॉज रिसेंटली कन्वर्टेड इन टू एक्सिस बैंक। सो सिटी बैंक कन्वर्टेड इन टू एक्सिस बैंक कंप्लीटली, एंड सिटी बैंक पेड अराउंड 12,325 करोड़ फॉर दिस। एक्सिस बैंक कोलॉबरेटेड विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड, तो इनके पास भी सुपर एलिट है, सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक रिसेंटली कोलॉबरेटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलुरु, IISc बैंगलुरु, टू एस्टेब्लिश सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यू विल डेफिनेटली सी दिस क्वेश्चन इन अपकमिंग फर्दर एनी एग्जामिनेशन। सो विच बैंक रिसेंटली कोलॉबरेटेड विद IISc बेंगलुरु फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेंटर फॉर द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कोलॉबरेटेड विद ओपन, ओपन विच इज द न्यू बैंक, तो ये न्यू बैंक है, ठीक है। ओपन क्या है, इट्स अ न्यू बैंक, न्यू बैंक, द बैंक विदाउट एनी बैंक, बैंक विदाउट एनी ब्रांच, कंप्लीटली डूइंग द बिजनेस डिजिटली। सो ओपन टू प्रोवाइड फुल्ली नेटिव डिजिटल करेंट अकाउंट, सो टू ऑफर द कंप्लीटली डिजिटल करेंट अकाउंट फैसिलिटी एक्सिस बैंक कोलॉबरेटेड विद ओपन फॉर द कस्टमर्स इंक्लूडिंग SMEs, दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फ्रीलांसर्स, इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा। SBI, ICICI, Axis Bank launched a RuPay-based credit card on UPI platform. Spice Money collaborated with Axis Bank for the financial inclusion in the rural India. ये हो गए आपके सारे के सारे पॉइंट रिलेटेड टू यूनिकॉर्न। यस, 100 नंबर का यूनिकॉर्न था आपका ओपन, उसका नाम था ओपन, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट क्रॉस ऑल टाइम हाई टू $750 बिलियन, $750 बिलियन का, बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट गया इंडिया ने। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात होता है। सो वेन एवर इंडिया प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड सोल्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड
एक्सपोर्ट दैट इज आई आई एम क्लियर दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड आई नो दैट यू गाइज आर अवेयर अबाउट. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट कि यार कोई गलती से भी किसी को ना पता हो तो ऐसा ना हो. सो 750 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने अभी रिसेंटली किया है. दैट इज सिंस इंडिपेंडेंस इन द 75 ईयर इट इज द हाइएस्ट वन. 2021-22 कंट्रीज गुड्स एंड सर्विस रीचेस टू ऑल टाइम हाई दैट इज 422 बिलियन एंड 4 एंड 254 बिलियन रिस्पेक्टिवली. तो यहां पर आपसे बोला गया है कि गुड्स का द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अराउंड 422 बिलियन एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अराउंड 254 बिलियन. तो सर्विसेज का रहा है 254 बिलियन. ठीक है, टेकिंग द टोटल शिपमेंट ऑफ अराउंड 676 बिलियन. एक्सपोर्ट फॉल बाय 8.2% इन फैब 2022 व्हाइल इंपोर्ट फॉल बाय 8.21%. दैट इज द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द 2 ईयर, इन मोर देन 2 ईयर्स. तो फैब में डिक्रीज हुआ है. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस डेटा. मैं चाहता हूं आप लोग ये वाला डेटा याद रखो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रहा है 750 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड रहा है. बिकॉज 99% चांसेस यू विल गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट ऑनली. आगे आ जाए, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है हु आर द रेगुलेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स कौन से हैं? आप नाम सुन लीजिए एक बार, क्विकली बता देता हूं. द मेन रेगुलेटर्स आर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग द बैंकिंग एंड एनबीएफसी बिजनेस. सेकेंड हो गया आपके पास सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऑल आर रेगुलेटेड बाय विच वन? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. थर्ड होता है आपके पास आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आईआरडीआई रेगुलेट करता है आपकी इंश्योरेंस कैटेगरी को. फोर्थ रेगुलेटर होता है आपके पास पीएफआरडी, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये रेगुलेट करते हैं आपके पेंशन सेक्टर को, एनपीएस वगैरह वो सब आपके इनके अंडर में. तो मेनली ये आपके चार बड़े रेगुलेटर्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्यू मोर मॉडरेटर्स रेगुलेटर्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम. मॉडरेटर रेगुलेटेड टाइप ऑफ एंटिटीज आर नाबार्ड है जैसे आपका, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस को जो मॉडरेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. सो वी हैव स्मॉल रेगुलेटर्स बट द मेन है वो मैंने आपको ये बता दिया. सेबी पर वापस, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पैनलाइज टोटलिंग अराउंड 36 करोड़ रुपी ऑन पीएनबी फाइनेंस एंड अदर एंटिटीज. तो 36 करोड़ के अराउंड फाइन इन्होंने इंपोज किया है. 36 करोड़ के अराउंड इन्होंने फाइन इंपोज किया है किस पर? पीएनबी फाइनेंस है एंड पीएनबी फाइनेंस एंड कैमेक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड एंड अदर वेरियस कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज को, इंक्लूडिंग द प्रमोटर समीर जैन, मीरा जैन, हु हैव बीन बार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज एवरी कंपनी स्टार्टेड इन इंडिया हैज टू अचीव द पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 25%. तो हर एक कंपनी के लिए एक टारगेट होता है कि आपको कम से कम 25% जो है उतना उतना पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी कंपनी में होना ही चाहिए आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर्स. कि 15 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपके पास 25% शेयर होल्डिंग होना चाहिए. एंड रिसेंटली इफ यू रिमेंबर सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द रूल, पास द रूल टू सेबी दैट पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया दैट इज आर कंपनीज लाइक एनटीपीसी एंड ऑल अदर कंपनीज विच आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर देम अचीविंग द टारगेट ऑफ मिनिमम 25% इज नॉट नेसेसरी. उनके लिए नेसेसरी नहीं है दैट दे शुड कीप द मिनिमम 25% टारगेट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग, बट प्राइवेट कंपनीज के लिए नेसेसरी है. प्राइवेट ओन्ड कंपनीज के लिए नेसेसरी है, पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं है. सो ये आपके फाइन इंपोज हुए हैं. द सेम फाइन हैज बीन इंपोज्ड ऑफ 12 करोड़ रुपी ऑन पीएनबी फाइनेंस. अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर पीएनबी फाइनेंस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. नो, इट्स अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी. ऑल दो इट इज ओन्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक बट पीएनबी इज रनिंग इट एज अ सब्सिडरी. पीएनबी इसको एज अ सब्सिडरी रन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ प्राइवेट कंपनी. अदर एग्जांपल्स, वेरी सिमिलर एग्जांपल,
एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, बट एसबीआई कैपिटल, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड पेमेंट, ऑल दीज आर प्राइवेट कंपनीज. एलआईसी इज द गवर्नमेंट कंपनी, बट आईडीबीआई विच इज ओन्ड बाय एलआईसी इज अ प्राइवेट बैंक. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके सब्सिडरीज के. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. इज माई पॉइंट क्लियर? या चल आगे मूव करें. तो सेबी के और पॉइंट देख लीजिए. अभी रिसेंट में सेबी के जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, सेबी हैज इश्यूज द डेथ ब्रोकर लाइसेंस टू गोल्डन पायर टेक्नोलॉजीज. तो गोल्डन पायर टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अभी ब्रोकरिंग का लाइसेंस प्रोवाइड किया है. सेबी मेड अ 20 मेंबर टेकओवर नॉर्म कमेटी. एक कमेटी इन्होंने बनाया है, अ पैनल टू रिव्यू द टेकओवर नॉर्म्स इन इंडिया. दैट वन कंपनी वांट टू एक्वायर अनदर कंपनी, सो दैट अ कमेटी हैज बीन फॉर्म, 20 मेंबर कमेटी. दिस कमेटी लेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एस जे वाजिबदार. 21 मेंबर अनदर कमेटी, दैट इज मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी लेड बाय एम एस साहू सर. अनदर सेकेंडरी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जी महालिंगम सर. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कमेटीज रिसेंट टाइम की हैं. आफ्टर दैट सेबी, सेबी सेड दैट द वर्किंग आवर ऑफ बैंक कैन बी इंक्रीज्ड, वर्किंग आवर ऑफ बैंक कैन बी इंक्रीज इन द केस ऑफ आउटेज ऑफ द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम. अगर स्टॉक मार्केट में लिंक फेलियर एंड बिकॉज ऑफ दैट एनीथिंग अगर ऐसा कुछ होता है, द वर्किंग आवर कैन बी एक्सटेंडेड बाय, वर्किंग आवर कैन बी एक्सटेंडेड बाय वन आवर. तो 4 o'clock की जगह 5 o'clock तक इसको रन किया जा सकता है. सेबी ऑल्सो टू इंक्रीज द यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड, पेनिट्रेशन ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया. सेबी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू एंड येलो बॉन्ड. ब्लू बॉन्ड विल बी रिलेटेड टू द वॉटर मैनेजमेंट एंड मरीन सेक्टर, येलो बॉन्ड विल बी रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी. इंदौर इज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ येलो बॉन्ड. मीन्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी लॉन्च्ड येलो बॉन्ड. सेबी हैज एक्सटेंडेड टू कमेटी, हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी ऑन द साइबर सिक्योरिटी एंड हाई पावर कमेटी ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी. सो हाई पावर कमेटी ऑन द साइबर सिक्योरिटी, आप एक वर्ड पकड़ो, साइबर सिक्योरिटी. सो द चेयरपर्सन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कमेटी इज मिस्टर नवीन कुमार सिंह सर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सर. तो ये चेयरपर्सन है. ठीक, कुछ और पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेबी, वो भी एक बार आप लोग पीडीएफ से कवर कर लेना. पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप. हाँ भाई, कितने लोगों ने फास्ट रखा था 9 days का? कितने लोगों ने फास्ट रखा था 9 days का? I was thinking जिनका IBPS का रिजल्ट आने वाला है ना, IBPS PU का रिजल्ट है जिनका, they were more religious this time. उनको बिल्कुल बहुत religious हो गए थे इस बार, because parallelly नवरात्रा and here it was रमजान, तो उनके पास best time था and waiting for results also कि result भी आ रहा है सर. तो अभी तो बिल्कुल सही time है, 9 days full fast. Fruit नहीं खा लूंगा मैं, खाना ही नहीं खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट माता रानी कृपा तो जरूर करते, राइट? हाँ, उनके लिए बेस्ट टाइम था. ये देखो बोल रहे सर, एक दिन का भी नहीं रखा. वो मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, मैंने एक दिन का भी नहीं रखा. आज का रख लो फिर, अभी टाइम है, आज रामनवमी है, ठीक है, आज का रख लो फिर. चलो, दो रिजल्ट हैं, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू भी है. ये देखो, एक से एक बच्चे भैया टीएनए वाले, दो रिजल्ट हैं, एसबीआई पीओ इंटरव्यू है, तब भी फास्ट नहीं रख रहे हैं. ओके, 9 दिन में बोले मैं मंदिर भी नहीं गया हूं. चलो कोई नहीं कोई नहीं, भगवान बुरा नहीं मानते. सो गॉड वॉन्ट यू टू डू योर वर्क. इफ यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली दे विल बी हैप्पी. ठीक है, भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानते कि आप मंदिर नहीं जा रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, अगला न्यूज देख लेते हैं. सो दलाई लामा नेम्ड यूएस बॉर्न मंगोलियन बॉय एज थर्ड हाईएस्ट लीडर इन बुद्धिज्म. दलाई लामा इज ऑन द टॉप पोजीशन इन द बुद्धिज्म कम्युनिटी. तो उस पूरे के पूरे रिलीजन में जो टॉप पर होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको हम बोलते हैं दलाई लामा, राइट? सो 14th दलाई लामा
नेम्ड 8 ईयर ओल्ड मंगोलियन बॉय नेम्ड इज धाम्पा रिनपोच एज थर्ड हाईएस्ट रैंक इन तिब्बत बुद्धिज्म। तो इनको तीसरी सबसे ऊंची पोजीशन दी है धाम्पा रिनपोच को। इनका नाम है धाम्पा रिनपोच, इधर पिक भी है इनका। ही इज अ मंगोलियन बॉय। सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज इन धर्मशाला वेयर द दलाई लामा 87 लीव्स इन एग्जाइल एंड 8 ईयर ओल्ड बॉय इज द सन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैज अ ट्विन ब्रदर। 1995 दलाई लामा नेम्ड पैंचेम लामा एज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द फेथ हु वॉज अरेस्टेड बाय द चाइनीज अथॉरिटीज। तो 1995 में उन्होंने ऐसा किया था एक बार, तो चाइनीज अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट कर लिया था। ठीक, ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है। लद्दाख हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दलाई लामा को दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। अंबर का और कौन सा ज्वाइनिंग आ गया ईसीजीसी के बाद? अंबर, डू यू हैव सम अदर ज्वाइनिंग आल्सो? अच्छा, आरआरबी क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, गॉट इट। पर भाई ने अंबर का बताता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट सम टाइम इट हैपेंड बिकॉज ऑफ फैमिली। अंबर लेफ्ट द पोजीशन ऑफ ईसीजीसीपीओ एंड ज्वाइनिंग आरआरबी फॉर फैमिली। सो सच टाइप ऑफ डिसीजंस शुड बी टेकन सम टाइम व्हेन द फैमिली नीड अस। जब फैमिली को जरूरत होती है तो ऐसे डिसीजन भी लेते हैं लोग कि ईसीजीसीपीओ व्हिच इज एक्चुअली द पोजीशन। Do you know that SBI PO leave their job if they get the job in ECGC PO? SBI PO छोड़ देता है अपना नौकरी अगर ECGC PO का जॉब मिल रहा है। So you can learn a lot from Amber, not because of decision I am saying, because he have cleared ECGC PO. उन्होंने ECGC PO clear किया हुआ है, so those who are preparing for such type of examination, they can connect with him. ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। हॉकी, इंडिया हॉकी प्लेयर सलीमा तेते हैज अपॉइंटेड एज द एथलीट एम्बेसडर ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन। सो भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा तेते जो है इनको एशियाई हॉकी महासंघ का अभी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। मिडफील्डर है सलीमा तेते। Now she has been appointed as the ambassador of Asian Hockey Federation for the duration of 2 years. The announcement was made in South Korea on 23rd of March. After that, Asian Hockey Federation athlete ambassador are Lee Jong Jun from South Korea, Abdul Hanan Sahid Pakistan, Asai Yu from Japan, and now Salima Tete from India. So she is from India. ठीक है, Salima Tete received AHF Emerging Player of the Year Woman on 24th of March, and after that she was appointed as the ambassador as well. Asian Hockey Federation, it is a governing body of the field hockey responsible for organizing the international field hockey event in the region. The members of international field hockey work closely to promote the FIS to promote the sport field around the world. तो काम वही है इसका federation का। मेन पॉइंट पिक कर ले, फेडरेशन वॉज फॉर्म इन द ईयर 1958 में फॉर्म हुआ था टोक्यो जापान में, बट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कुआलालंपुर मलेशिया। याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहां पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड आफ्टर दैट द चीफ इज अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अल अशमत शाह। तो ये जो है इन्होंने हेल्प सपोर्ट किया था बनाने इसको ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, प्रेसिडेंट डेटो फ्यूमे ओर्गा, अजीब सा नाम है। आगे मूव करें। ठीक है, आरआरबी होम पोस्टिंग मिल जाएगी सर, बस आपकी टी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। दो दिन बाद रिजल्ट है और देखते हैं रिजल्ट में क्या बम फोड़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इंडिया होस्ट SCO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग इन न्यू दिल्ली। टेल मी वन थिंग, SCO समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? आप बस एक पॉइंट का आंसर लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में। SCO समिट 2023 जो है इसको कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है?
करंट चेयरपर्सन ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया होस्टेड अ मीटिंग, पढ़ दिया वैसे मैंने आंसर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टॉप ऑफिशियल इन द न्यू दिल्ली ऑन 29th of March. अजीत कुमार डोवाल सर एड्रेस द मीटिंग, पाकिस्तान एंड चाइना अटेंडेड एससीओ एनएसए मीटिंग वर्चुअली. तो पाकिस्तान और चाइना ने वर्चुअली अटेंड किया, दे हैव नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली हियर. ठीक है, एससीओ विच इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन द ईयर 2001. इसका जो ट्रिक होता है याद करने का, दैट इज रुचि, RUCHI, रुचि विजिटेड ताज इंडिया विथ काकू फॉर PI. तो यहां से ट्रिक निकलता है आपका, RU stands for Russia. दिस इज रशिया चाइना, ताजिकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान. सो ईरान इज द 9th मेंबर एंड रिसेंटली ज्वाइंड SCO समिट. तो ईरान को भी SCO का ऑफिशियल मेंबरशिप रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है. यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनिशिएटेड कैपेटिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव. तो कैपेटिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या है? 19 कैपेटिव एम्प्लॉयर अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. बिग कंपनीज, दोज आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयज, ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, एंड दे आर अनेबल टू फाइंड फ्रॉम द मार्केट. व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव द ट्रेनिंग फर्स्ट इन अ रूरल एरियाज, दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ सर्विसेज. So first of all, company can provide them training, make them trained workers, and after that they can hire or offer the jobs. तो यहाँ पर companies पहले training provide करेंगी rural areas में, और training provide करके job offer करेंगी. इसको कहा गया है capacitive employment. I hope my point is clear. क्या meaning है capacitive employment का? So under the Ministry of Rural Development, Giriraj Singh has onboarded 19 capacitive employer under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana. So this will be working under National Rural Livelihood Mission. National Rural Livelihood Mission के अंडर में काम करेगा. 14,129 करोड़ रुपी जो है वो इसका बजट एलोकेशन है नेशनल लाइवलीहुड मिशन का फॉर द ईयर 2023-24 बजट एलोकेशन इज 14,129 करोड़. न्यूज आई थिंक इजी है, क्लियर होगा. नेक्स्ट है, सेंटर अप्रूव्ड 800 करोड़ रुपी फॉर सेटिंग अप अराउंड 7,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन. आप डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करके याद किया करो. 800 CR approved for 7,500 EVs in India. So 7,500 electric vehicle charging station, EV stations in India. So India mein around 7,500 electric vehicle charging stations ko install karne ke liye 800 crore rupee issue kiye hain, and it will be done under FAME project. That is faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India. Phase 2 is running at present. FAME scheme was started in the year 2015. So 2015 mein start hua tha FAME scheme. What is the current data? As per the current data, there are around 6,500 electric vehicle charging stations are there in India. Far more needed if we want to adopt the electric vehicle policy properly. Point clear hai sir? Point clear hai? Bilkul sahi hai. 5,400 करोड़ रुपी बजट एलोकेशन है फ्रॉम द ईयर 2023. तो इसका, हाँ, इसका 5,400 करोड़ बजट एलोकेशन है. नेक्स्ट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री शॉर्टलिस्टेड 9,000 स्कूल्स अंडर पीएम श्री. इन्होंने अनाउंस किया था अराउंड 14,000 स्कूल्स दे आर गोइंग टू टेक अंडर पीएम श्री. सो पीएम श्री वॉज लॉन्च्ड ऑन 5th of September 2022. ठीक है, 5th सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं बताओ जरा, पता हो तो. तो 5th सितंबर को लॉन्च किया गया था पीएम श्री, विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू अपग्रेड 14,500 स्कूल्स अंडर पीएम श्री स्कीम. उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम जो है
14,500 स्कूल्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द सिक्स ब्रॉड पैरामीटर्स इंक्लूडिंग कैरिकुलम एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स जेंडर इक्वेलिटी एक्सेस एक्सेट्रा. तो 9,000 स्कूल्स हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड. दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर इट. अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या ये डेटा है, टीचर्स डे है. ओके ठीक है. तो 14,500 स्कूल्स एंड अराउंड 27,300 करोड़ वॉज द बजट एलोकेशन. अराउंड 27,300 करोड़ वॉज द बजट एलोकेशन. नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास्ड इन लोकसभा. लोकसभा से पास हो गया कॉम्पिटिशन कमीशन अमेंडमेंट बिल टू मेक वन कंपनी टू बी एक्वायर्ड बाय अनादर कंपनी एंड टू मेक अप्रूवल इजी. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज द एजेस एजेंसी ओवर सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन. तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहा जाता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द अप्रूवल टाइमिंग विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम 210 डेज टू 150 डेज. तो अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो अप्रूवल्स हैं वो विद इन 150 डेज देने होंगे. प्रीवियसली दे वर हैविंग द टाइम ऑफ 210 डेज, 210 दिन का टाइम हुआ करता था. सो एक्चुअली गवर्नमेंट वॉन्ट टू मेक मार्केट ईजी फॉर द बिजनेस. तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ एक और स्टेप. कंजर्वेशन प्लान फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है एंड द स्कीम विल बी कॉल्ड स्पाइसेस रिकवरी प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज अ प्रोटेक्टेड बर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भारत सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड बर्ड है. हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटिंग हैज बीन गिवन टू दिस बर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. पिक्चर सही लगाया मैंने, गलत तो नहीं लगा दिया. अब देख लेना आप लोग पिक्चर सही लगाया गलत, बता देना अगर गलत हो तो कल चेंज कर लेंगे. ठीक है कल चेंज कर लेंगे. सो ब्रीडिंग कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज बीन डन इन द कोलैबोरेशन विद राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस बर्ड इज एक्चुअली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात मेनली. तो मेनली राजस्थान और गुजरात में इसको पाया जाता है इस बर्ड को. सैटेलाइट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन जैसलमेर राजस्थान. तो जैसलमेर राजस्थान में सैटेलाइट ब्रीडिंग फैसिलिटी भी बनाई गई है. सो कंसिडर्ड इंडिया मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज स्पेशली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. मैंने बताया दो स्टेट्स में मेनली मिलता है आपको. इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. डू यू नो द नेम ऑफ पहले बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करता था मैं, ले आऊंगा वापस. द बर्ड विदाउट विंग्स, विच वर्ड इज द बर्ड विदाउट विंग्स. और एक था आपका एल्बेट्रॉस का नाम, अगर आपने सुना हो एल्बेट्रॉस. एल्बेट्रॉस इज अ बर्ड विद द बिगेस्ट विंग्स, सबसे बड़े पंखों वाला जो पक्षी होता है ना उसको बोला जाता है एल्बेट्रॉस. ठीक है तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं. यस लार्जेस्ट विंग इसमें, तो कुछ ये आते थे पहले एग्जाम में आते थे. ठीक है देखेंगे और याद दिलाते रहो करो बीच में कि स्टैटिक के कुछ कर लेते हैं सर, होमवर्क में ही करते चलेंगे अपन. सो इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट, राजस्थान. इंडियन ग्रेट बस्टर्ड इट इज अ बर्ड ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. दीज बर्ड्स आर वर्ड्स टू द अच्छा और विच वर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है भाई? इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली, अभी बड़ा न्यूज में था, सोशल मीडिया पर सब जगह चल रहा था. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है Which of the following is the state bird of Uttar Pradesh? क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था. हाँ स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो हमिंग बर्ड है, बिल्कुल करेक्ट है. हाँ क्रेन, नीलिमा सिंह क्रेन. सारस पक्षी मंजूत सही है, सारस क्रेन. यस सो सारस क्रेन इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश. न्यूज आप लोगों ने देखा होगा अ मैन प्रोटेक्टेड वन सारस क्रेन विच वॉज इन नॉट इन द गुड कंडीशन. तो उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, देन दे बिकेम फ्रेंड सो दैट सारस वॉज फ्लाइंग विथ हिम स्टेइंग विथ हिम. तो देन इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक
नॉट इज नेम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टुक द लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, वो भी अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं, ही वॉज फॉलोइंग द ह्यूमैनिटी, दे आर फॉलोइंग द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आरएफ का फ्रेंड सारा, ये सारी जगह न्यूज चली होंगी। सो टास्क फोर्स टू मेक इंडिया अ प्रोडक्ट डेवलपर एट द मैन्युफैक्चरिंग नेशन, एक कमेटी बनी है अभी रिसेंटली, इंपॉर्टेंट कमेटी है, टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, अ कंट्री ऑफ डेवलपर्स, अ कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इसका इस कमेटी को बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश कुमार सर, विद द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अमितेश कुमार सिन्हा सर एज मेंबर। तो अमितेश कुमार सिन्हा सर मेंबर है, भुवनेश कुमार सर जो है ही इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, तो कमेटी के चेयरपर्सन है। इट इज एन एफर्ट टू पोजिशन इट सेल्फ एन अल्टरनेटिव टू लाइक द कंट्रीज लाइक चाइना एंड वियतनाम, उनकी जगह हम क्यों नहीं बन सकते प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेशन। द सेकेंड एग्रीकल्चर डिस्प्यूट मीटिंग, एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग, नॉट डिस्प्यूट, डिप्यूटीज मीटिंग वॉज हेल्ड इन चंडीगढ़ रिसेंटली। सेकेंड एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग, दैट इज एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वॉज हेल्ड इन चंडीगढ़ फ्रॉम 29 to 31 March, आज भी चल रहा है। सो अलॉन्ग विद द 19 स्टेट मेंबर्स, 10 इनवाइटीज कंट्रीज एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन टू इट। द मोटो इज टू फोकस ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम अराउंड द वर्ल्ड, कि विश्व स्तर पर जो लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ाना। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन इन द मिल्क, दूध में मिलावट को पकड़ने के लिए एक डिवाइस बनाया है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, विच कैन गिव द रिजल्ट विद इन 30 सेकेंड्स, यही कहीं लिखा होगा, यस। सो इट कैन गिव द रिजल्ट इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो आपको क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द अल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ मिल्क, तो मिक्स अगर कुछ करेंगे मिल्क में तो वो पकड़ लेगा। ओके, सो दिस इज द या दिस इज डन फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल बी मीटिंग यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन। आज ऑफर चल रहे हैं वाले बोर्ड पर, बहुत बढ़िया, यूज द ऑफर्स टू ज्वाइन द कोर्सेज एंड द मेंटरशिप प्रोग्राम बाय यूजिंग द कोड आदित्य, डोंट मिस कोड आदित्य एंड डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन गाइस, आई विल बी मीटिंग यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन। Till that time, keep watching Olive Board. Happy Ram Navami to all of you. Jai Hind.